वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अक्टूबर 2018 और 8 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इसी साल इंडिया के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है चुनाव आयोग ने। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 राज्य कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। अब इनमें से जो छत्तीसगढ़ है इसमें 2 फेज में इलेक्शन होने हैं और बचे हुए जो 4 राज्य हैं उनमें 1 फेज में ही इलेक्शन होना है। और इन 5 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट एक ही दिन आएगा और वो दिन कौन सा है? 11 दिसंबर 11 दिसंबर को इन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बात आई है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ओपी रावत प्रेजेंट टाइम पे हमारे सीईसी हैं। और जैसे ही ये ओपी रावत नाम आप सुने आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे 3 ओपी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए 3 ओपी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यही है ओपी रावत, ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे सीईसी हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। दूसरे हैं ओपी सिंह, ये यूपी के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। और तीसरे ओपी हैं ओपी कोहली, ये गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे ये 3 ओपी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक ओपी नेपाल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो कौन से हैं? ओपी मिश्रा। अब भी नेपाल के नए चीफ जस्टिस बने हैं ओपी मिश्रा। अच्छा, नए चीफ जस्टिस वो इंडिया में भी बने हैं, तो इंडिया में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? रंजन गोगोई। तो इंडिया के चीफ जस्टिस का भी नाम आप याद रखिए और ओपी नाम आ गया है तो नेपाल के चीफ जस्टिस का भी नाम आप याद रखिए। अच्छा, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, कभी आपके माइंड में आया कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 39,000 लाइक का, आपने टारगेट पूरा किया और बहुत सही टाइम से पूरा किया। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली होगी आपके अंदर तो आपको अपने अंदर खुद ही बहुत अच्छे चेंज दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं डेली मॉर्निंग में आपको बोलता हूं ये हैबिट आप डेवलप करिए और मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो देखने की अगर आपने हैबिट डाल ली तो ये हैबिट आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना मत भूला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 450 करोड़ रुपए आपूर्ति की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक को 450 करोड़ रुपए की आपूर्ति की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कर्नाटक को 450 करोड़ रुपए की आपूर्ति की घोषणा तो कर दी लेकिन क्यों की है ये भी तो पता होना चाहिए। तो अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए कर्नाटक को 450 करोड़ रुपए की आपूर्ति की घोषणा की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये कर्नाटक के लिए की है तो आप मैप में देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और बेंगलोर इंडिया का पहला सिटी है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। ध्यान रखना, पहला सिटी है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बजू भाई बाला। अच्छा, ये
गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कई बार मैंने आपको बता दिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये आप याद रखिए, कर्नाटक इंडिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर वन पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद कर लीजिए। कर्नाटक का नाम जब भी आए आपके माइंड में कॉफी आ जानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने किस राज्य में दो प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी है? तो अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख रेल परियोजनाओं की नींव रखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको अभी बताया है छत्तीसगढ़ में इसी साल इलेक्शन है, तो अब नई नई परियोजनाएं दी जाएंगी इन इलेक्शन वाले स्टेट में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ में दो नई रेलवे परियोजनाओं की नींव रख दी है रेल मंत्री ने, तो कौन है प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री? पीयूष गोयल। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? कई बार मैंने आपको बताया है, अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अच्छा, रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? अश्विनी लोहानी। अब छत्तीसगढ़ में ये नींव रखी गई है, तो आप मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है रमन सिंह, लेकिन इलेक्शन होगा उसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ की अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, छत्तीसगढ़ कब बना था? आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, लेकिन कब बना? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना। और जब भी छत्तीसगढ़ का नाम आता है मैं आपको एक सीक्वेंस याद कराता हूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर इंडिया का 26वें नंबर का राज्य बना था। 27वां कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। 28वां कौन सा बना था? बिहार से अलग होकर झारखंड। और 29वां कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। और कब बना है? 2 जून 2014 को। तो ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां राज्य, क्योंकि इस सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2018 कहां संपन्न हुई है? तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुई है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 164 विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पे अनंत कुमार हेगड़े। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अनंत कुमार हेगड़े, और इन्होंने इंडिया स्किल्स 2018 में कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड निवेशकों के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड निवेशकों के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के देहरादून में यह शिखर सम्मेलन हुआ है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, नाम आ गया उत्तराखंड का, तो मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बनी है उत्तराखंड की नई गवर्नर बेबी रानी मौर्या, तो इनका नाम आप याद रखिए। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूं। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो ये आप याद रखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में, और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, कई बार जब ज्यादा ही डीप में क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछ लेता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, तो ये आप याद रखिए। अच्छा, उत्तराखंड की बात आई गई है तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। कई बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहां पे है, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। दो ही घाटियां अक्सर पूछी जाती हैं, फूलों की घाटी और शांत घाटी, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और शांत घाटी है केरल में, दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश की रेलवे के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने रूस की रेलवे के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब आपके माइंड में जरूर आया होगा कि सर एमओए आपने बताया है, एमओयू आपने बताया है, लेकिन अभी एमओसी क्या है?
तो पहले एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अब ये नया आया है एमओसी। पहली बार ये टर्म आपके सामने आया है तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। एमओसी की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने रशियन रेलवे के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। आपको पता है अभी हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं और तभी ये एमओसी साइन हुआ है। रशिया के बारे में वैसे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चार धाम महामार्ग विकास परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एनजीटी ने चार धाम महामार्ग विकास परियोजना को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में जो चार धाम है उनके लिए महामार्ग विकास परियोजना है और इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी है एनजीटी ने। अब ये एनजीटी ने मंजूरी दी है तो एनजीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और अभी प्रेजेंट टाइम पे एनजीटी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम मैंने आपको कई बार बताया है, एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ए के गोयल, यानी कि आदर्श कुमार गोयल। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तत्काल ऋण उत्पाद बूस्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मूवी क्विक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मूवी क्विक क्या है, जैसे पेटीएम है, फ्री चार्ज है, उसी तरह से मूवी क्विक है। तो इसने अभी हाल ही में तत्काल ऋण उत्पाद बूस्ट लॉन्च किया है और इसमें आप 5,000 से लेकर 60,000 तक का ऋण ले सकते हैं। अब ये मूवी क्विक ने लॉन्च किया है तो मूवी क्विक के बारे में आपको बता देता हूं। मोबिक्विक की स्थापना हुई थी सन 2009 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुड़गांव में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, बिपिन प्रीत सिंह, और इन्होंने ही मोबिक्विक की स्थापना भी की थी, बिपिन प्रीत सिंह है और यही मोबिक्विक के सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की राष्ट्रीय संस्थान को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कई बार NIHMR ये भी आपको लिखा देख सकता है, NIHMR, तो इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धारा 377 हटाने पर प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में सेक्शन 377 हटाए जाने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है गोवा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपको पता है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को खत्म कर दिया है, यानी कि इंडिया में अब समलैंगिक विवाह लीगल हो गया है और इसी के लिए एक जश्न के रूप में प्रदर्शनी मनाई जा रही है गोवा में। अब इसकी थीम आपको याद रखनी है, इस प्रदर्शनी की थीम है फ्री इज इन द एयर। क्या है इसकी थीम, फ्री इज इन द एयर। इसमें 7 कलर की फ्लाइट उड़ाई जाएंगी, तो ये है प्रदर्शनी और ये 10 से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में लिलिमा मिंज, ये हॉकी की प्लेयर हैं लिलिमा मिंज, और इनको एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है लिलिमा मिंज और इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मारुति सुजुकी को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अभी हाल ही में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मारुति सुजुकी को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, अभी मैंने एक नाम लिया श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है। तो संतोष गंगवार प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, बरेली के सांसद संतोष गंगवार प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 5 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्ट स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 सितंबर लिख दिया, जबकि जब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उस टाइम बिल्कुल क्लियर बताया था कि इंडिया में जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये विश्व शिक्षक दिवस पूछा था। तो जब भी आपसे वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा जाए तब आप 5 अक्टूबर बताएंगे, और इंडिया का अगर शिक्षक दिवस पूछा जाए तब आप 5 सितंबर बताएंगे, लेकिन एग्जाम में मोस्टली ये वर्ल्ड टीचर्स डे ही पूछा जाता है। तो आप याद रखिए वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप जरूर लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का शीर्ष ब्रांड कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।